Hey guys, welcome back to my channel, and if you are new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी एनिमल के फर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से. बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है ये. तो गाइज, मैं ये इमेज बना रही हूँ. ये एक कैट की इमेज है. तो आज मैं इसके, ये जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, एकदम क्लियर फ़ोटो है ये. बहुत ही अच्छे से एकदम रियलिस्टिक इसमें फ़र दिख रहे हैं. तो इसमें कहीं कहीं देखो, ये बिल्कुल वाइट है और कहीं कहीं बिल्कुल ब्लैक. अगर हम इरेजर का भी यूज़ करें तो इतने अच्छे से ये नहीं ऑप्ट हो पाते वाइट हेयर्स. और इसका आप यूज़ करके, इसके लिए आपको कोई स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए, और बहुत ही इजीली आप हर एकदम रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे. सो ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो चलिए पहले हम इसकी आई ड्रॉ कर लेते हैं. और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फर ड्रॉ करना बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊँगी. सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे. सो वाइट हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इंडेंटिंग टेक्निक का. इंडेंटिंग टूल्स भी आते हैं, लेकिन हमें उसकी इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं रहती. सो सबके पास ये मैकेनिकल पेंसिल होती है. तो मैकेनिकल पेंसिल की हमें लेड हटा देनी है, और जो उसका ऐसे ये आगे का पोर्शन होता है, हम इसको यूज़ करेंगे इंडेंटिंग करने के लिए. सो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे इंडेंटिंग करते हैं. जिस डायरेक्शन में आपको उसके हेयर्स चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपको इंडेंटिंग करनी है. सो हम उसी डायरेक्शन में, हम फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके, जिस डायरेक्शन में उसके हेयर्स है, उसी डायरेक्शन में हम इंडेंटिंग करना शुरू कर देंगे. कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख लो कि मैं कैसे इंडेंटिंग कर रही हूँ. आप बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं वीडियो में कैसे कैसे इंडेंटिंग कर रही हूँ, किस डायरेक्शन में कर रही हूँ. तो देखिए, कुछ आपको इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा इंडेंटिंग करने के बाद. सो ये हमने टेक्सचर अपने इस पर ड्रॉ कर लिया. इसके बाद हम यूज़ करेंगे पेंसिल का, और पेंसिल से भी हम उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत शेड करेंगे. अगर वहाँ पर वाइट हेयर्स है तो हम बिल्कुल कम शेड करेंगे, और ब्लैक हेयर है तो हम उसको ज़्यादा शेड करेंगे. ब्लैक होंगे तो भी उसमें एकदम रियलिस्टिक लुक आएगा इंडेंटिंग टेक्निक से. सो देखिए मैं कैसे करती हूँ इसको. सो गाइस, इंडेंटिंग के लिए एक मेन जो बात है वो है कि आपको शीट थोड़ी मोटी लेनी है. अगर ये आप पतली शीट पे, बहुत ही पतली जो नॉर्मल जेरोक्स पेपर्स होते हैं, उस पर ये वर्क नहीं करेगी. अगर आप मोटी शीट लोगे तभी ये वर्क करेगी. और ये मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल का. तो इसके बाद देखिए, ऐसे ही इसी इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके मैं इसकी नोज़ पे भी फर ड्रॉ कर लूँगी. और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है. और अभी इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया है, और ब्लेंडिंग करने के बाद ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा.
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ईजी लगी हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ईजी ट्यूटोरियल आपके लिए लाती रहूँगी। और आप अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ गाइज सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।